जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल। आज हम लोग जो है सामान्य ज्ञान जो झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है अभी हम लोग क्वेश्चंस जो है यहाँ पे देखेंगे कि किस किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। ये आपका जो है आने वाले जो है एग्ज़ाम, जैसे कि आपका झारखंड सचिवालय, झारखंड एक्साइज कॉन्स्टेबल और तमाम जो है एग्ज़ामों में एग्ज़ामों के लिए जो है बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। तो पूरी वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा और देखिए कैसे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। और ये इससे आपको जो है एक आइडिया लगेगा, एक पाथ मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और अगर चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफा जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। पृथ्वी के की सतह के निकटतम कौन सी परत है? तो पृथ्वी के सतह के सबसे निकटतम जो है परत जो होती है, लेयर होती है, वो क्षोभ मंडल होती है यानी ट्रोपोस्फेयर होती है। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील जो है आपका मणिपुर में स्थित है। हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो ये जो है 4 युद्ध लड़े थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन से दो यूरोपीय देशों ने 1947 के बाद भी भारत के गणतंत्र के क्षेत्रों पर स्वामित्व बनाए रखा? तो वो दो देश थे फ्रांस और पुर्तगाल। ऑप्शन सी। 1793 के स्थाई समझौते का संबंध निम्न के साथ था, किसके साथ था? तो ये आपका था भू राजस्व जो है रेवेन्यू के साथ था, यानी लैंड रेवेन्यू के साथ जो था इनका संबंध था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी डीपली जो है यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको डीपली यहाँ पे करना होगा। यहाँ से झील से क्वेश्चन देखने को मिला है और अर्थ के जो है लेयर से क्वेश्चन देखने को मिला है, फिर जो है कैप्स यानी गुफाओं से क्वेश्चन देखने को मिला है। कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य रहे बिना अधिकतम किसी अवधि तक मंत्री बन रह सकता है? तो वो रह सकता है 6 महीने तक जो है वो रह सकता है। निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहता है कि सभी लोगों को समान अधिकार देना, ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। झारखंड में जनसंख्या घनत्व है, तो झारखंड में जो जनसंख्या घनत्व जो है दोस्तों 414 व्यक्ति पर वर्ग मीटर स्क्वायर है। और अभी अगर रिसेंटली की बात करें तो भारत की अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये जो है 428 पर व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों। ये याद रखिए, अभी रिसेंटली डेटा है 2020 से 2021 में जो है 20 से 21 में जो है 0.8% की जो है वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखिएगा एक्स्ट्रा डेटा ये है। निम्नलिखित में से कौन सा काल कर्मा अनुसार सही है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले खिलजी आए, फिर तुगलक वंश आए, फिर सैयद वंश आए, फिर लोधी वंश आए हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो राजवंश से जो है क्वेश्चन था दोस्तों, फिर आपका जो है एक तरह से जनगणना जो है 2011 से क्वेश्चन था, फिर आपका जो है यहाँ पॉलिटी से क्वेश्चन था दोस्तों। किस में पाई जाती है दोस्तों? तो ओजन लेयर आपका जो है कहाँ पाई जाती है? ओजन लेयर आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। केरल को मेनोजाइट रेत में प्रसिद्ध होती है, तो केरल की मेनोजाइट रेत निम्न में प्रसिद्ध होती है, तो उसमें थोरियम की अधिकता होती है। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा निकलती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्य से होकर निकलती है? तो 8 राज्य से होकर निकलती है। झारखंड में परिवर्तित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान का टोल फ्री नंबर क्या है? तो यानी आयुष्मान भारत का जो है जो शुभारंभ हुआ था हमारे झारखंड में हुआ था, यानी रांची से हुआ था, तो इसका जो है टोल फ्री नंबर क्या है? तो ये आपका है 14555। यह आपका करंट से क्वेश्चन था दोस्तों। फिर यहाँ बात कर लेते हैं, झारखंड सरकार द्वारा भारत को निम्न में से कौन से नगर को स्मार्ट नगर के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव नहीं किया गया था? तो आपका जो है जामताड़ा जो जिला है
उनका नहीं किया गया था, बाकी को जो है रिकमेंड किया गया था स्मार्ट सिटी के रूप में। जोहार का फुल नेम जो है फुल फॉर्म क्या है, विस्तृत रूप बताइए। तो जोहार झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्सनिंग रूरल ग्रोथ, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य का सिंचित क्षेत्र है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। तो सिंचित क्षेत्र यानी जो है इरेक्टेड इरीगेटेड एरिया जो है कितना है, तो इसका जो है आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 4.007 लाख हेक्टेयर जो है। टोकरी बनाने वाले को छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारें की प्राकृतिक पार्थिव रंगों में मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूलभावों का प्रयोग करते हैं, उस समुदाय को क्या कहते हैं, उस समुदाय को तुरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पृथ्वी का बृहत्तम परत क्या है, तो पृथ्वी का बृहत्तम परत जो है क्रस्ट है दोस्तों, क्रस्ट यानी भूपृष्ठ है, क्रस्ट इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में ऐसे ऐसे राजा कंटक देव द्वारा शासित बिरु केसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, तो बहुत ही जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, झारखंड है यहाँ पे, हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो था आपका सिमडेगा जिला था दोस्तों। एक त्यौहार मुख्यतः तो पशुओं के लिए है, तो पशुओं के लिए बांधना पर्व जो होता है ये आपका पशुओं के बेस्ड होता है, आधारित होता है। निम्न झारखंड का धनुर्धर नहीं है, धनुर्धर नहीं है उसमें, अरुणा मिश्रा जो है झारखंड का धनुर्धर नहीं है। बॉक्साइट पे के आधारित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में स्थान कितना है, तो भारतवर्ष में इनका स्थान है 7वां स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा। एस्क्रोल चित्रकला का श्रेय झारखंड के किन जनजाति को दिया जाता है, तो एस्क्रोल चित्रकला जो है संथाल जनजाति को यहाँ पे जो है दिया जाता है। देवघर के वैद्यनाथ मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, भारत के डैश शिव ज्योतिर्लिंगा है, और इसमें से कितने शक्तिपीठ है, तो 12 जो है इसका ज्योतिर्लिंग है और जो है 51 जो है शक्तिपीठ है दोस्तों, याद रखिएगा। जय भोलेनाथ। देश की जनसंख्या का लगभग डैश हिस्सा झारखंड की जनसंख्या पर आच्छादित है, तो ये जो है आपका यहाँ पे जो है 2.62% जो है आच्छादित है दोस्तों। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा पंडित नेहरू द्वारा प्रतिपादित पंचशील के एक हिस्से के स्वरूप में शामिल है, तो ये आपका है कौन सा है, तो ये आपका है आपका हो जाएगा कौन सा शामिल है, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स यानी समानता और पारंपरिक लाभ जो है ये शामिल था दोस्तों। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार का पतन हो जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है इससे जो है सरकार का पतन हो जाता है असफल हो जाने पर। संसद के सदन पर बजट की घोषणा जो है कौन करते हैं, तो वित्त मंत्री यानी जो है फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा संसद का एक हिस्सा नहीं है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस होते हैं वो संसद का हिस्सा नहीं होते हैं। 1961 में भारतीय सेना ने गोवा के उस समय प्रस्ताव किया था जबकि अन्य अधीन स्वतंत्र आंदोलन पर मजबूर रहा था, तो वो क्या था दोस्तों, तो वो आपका था ऑपरेशन विजय जो था वो था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने पेरिस संधि जिससे अप्रैल 1951 में यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना की थी और हस्तांतरण ना किया था, तो वो थे ब्रिटिश यानी इंग्लैंड, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों जो एक्साइज कांस्टेबल जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसके जो है जनरल जो है जीके से जो क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन आया था उसको हम लोगों ने यहाँ पे जाना। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।